ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿਆ ਇਸ ਵਕਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਆ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਚਾਰ ਪੰਜ ਹਰ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਮੀਰ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ आटा जरा असा मुतालबा यह है कि जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान एक सस्ते रेट से आटा दिता जा रहा है 900 कुछ रुपये है ये भी उसी कश्मीर का हिस्सा वह भी उसी हिस्सा है अगर उस हिस्से के 900 कुछ रुपये थोड़ा मिल लगता है तो असा को क्यों नहीं मिल सकता एक तो मुतालबा यह है दूसरा मुतालबा सा है कि मैं आंदे इन्हों को बिजली के बिल दसे गिलगित बल्तिस्तान के उधर जो यूनिट है 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये लग जाता है बिजली का बिल अगर उधर इतना यूनिट हो सकता है तो इधर असान 18 तो लैके 56 रुपये क्यों एक रियासत के दो हिस्से हैं मतलब है वो गिलगित बल्तिस्तान या आजाद कश्मीर तो क्यों असा नाल फर्क कर रहे हैं हूँ सवाल आ जाता कि जो आम असी गल करते हैं जवाब मिलता जनाब मुल्क के हालात ठीक नहीं है मुल्क तबाही के दाने उपर है कि वफाकी हुकूमत के आजाद कश्मीर ये जवाब मिलता तो जनाब बड़ी महंगाई है मैं अपने आजाद कश्मीर के हुक्मराना को फिर उसी के नाल मुखातिब करता पाकिस्तान के हुक्मराना कि इधर की मिसाल देख के आना कि रात 2 बजे तो सू कि एमरजेंसी पै गई तमाम नजरियात फारक माता सब कट्ठे होकर एक शख्स को वजीर आजम नामजद कर छोड़िया किस लालच कि 42 के 42 झंडी लग सी वो 42 झंडिया उपर जो अखराजात आसन वो अखराजात नहीं है अखराजात है ना 42 PRO भर्ती कर सो 42 चपरासी भर्ती कर सो उन्होंने दफ्तरी के मामलात खाना पीना स्टेशनरी ये अखराजात नहीं है कितों निकल सन मेरे थोड़े जेब चो निकल सन किस तरह बिजली के बिलों मैं तो आके बड़ा खुश होया सा जरा गिलगित बल्तिस्तान वाले आखे जी कि सू तो अपनी बिजली है अपने टरबाइन लगे ता सस्ती है आगे पूछा तुम जींग की बिजली तो सस्ती मिलती होती इन्हें आखिया जी कमाल है सस्ती वो ही टैरिफ लगे रहा जरा तुम्हें तो टैरिफ लगता है दसो सा क्यों हर जगह से दो नंबरी हो रही है मतलब कहने का मकसद यह है कि असी बिल्कुल अग बजाना में डिमांड करने उपर एक गल कहने घट छोड़ो जनाब मुल्क मुश्किल हालात है वो मुल्क नहीं मुश्किल हालात है वजह ना मुश्किल है अच्छ दो मिनिस्टर निजाम फिर भी चल रहे हैं कल 42 फौज असा तो पैसे निजाम फिर भी उसी कर रहे थी ना गरीब को आटा मिलना था ना उसको सस्ती बिजली मिलनी है असा ने जरा इतिहाद बढ़ाया असी तुहाडे कोल हाजिर होए हैं मुजफ्फराबाद अवामी एक्शन कमेटी के नाम तो इस दे विच ताजर भी हैं इस दे विच तालिब इलम भी हैं इस दे विच वकील भी हैं इस दे विच साफी भी हैं इस दे विच आम बंदा सिविल सोसाइटी नाल ज्यादा तल्लक रखता वह भी है और इस दे विच सरकारी मुलाजम भी है सरकारी मुलाजम की मजबूरी सामने नहीं आ सकता लेकिन वह गरीब का बच्चा क्या करती तनखा उसकी 20,000 मिसाल के तौर पर एक महीने राशन लैन गया तो 5,000 का राशन आया बाकी 1,000 छोड़ो दुए महीने गया तो राशन 8,000 हो गया तीसरे महीने 10 तो 12 हो गया तनखा उसकी 20,000 वो क्या करती लिहाजा दसिया मकसद है कि तमाम लोग जो नाल है उन्होंने सारे का मुतफिका फैसला है कि 31 तारीख को असं अपने हक वास्ते इन्हों बदमाशा को अपना हक खसने वास्ते कि जेडे असा को आते नौना पिटना कदम जी महंगाई है जनाब असी नहीं आटा सस्ता दे सकते हैं अपनी आइजियां तुम क्या रखते हो बड़िया बड़िया गड्डिया फ्री रखते हो तो गरीब आटे की मंगे सजा तुम आज जी महंगाई असं नहीं दे सकते हैं ये गलत 76 साल तो लगी दी हैं लुटिया जा रहा सूँ आने वक्त ऐसा आ गया कि असं मुतफिक हो गए पूरे आजाद कश्मीर की जितने भी लोग हैं 31 तारीख मुजफ्फरबाद डिवीजन की है।